रिप्लेसमेंट सर्जरी उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कूल्हे की समस्या से परेशान रहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव शरीर काफी कमजोर हो जाता है और उसमें कई सारी परेशानियां भी होने लगती है। इनमें कूल्हे से संबंधित कई समस्याएं प्रमुख है, जैसे कूल्हे की हड्डी में दर्द होना, कूल्हे की हड्डी का टूटना और कूल्हे की हड्डी के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक लाभकारी उपाय साबित होती है। हालांकि इस सर्जरी के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है, इस कारण से वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक क्षतिग्रस्त कूल्हे की हड्डी को कृत्रिम हड्डी या प्रोस्थेसिस से बदल दिया जाता है। इस सर्जरी की जरूरत अधिकतर 60 और 80 साल के उम्र के लोगों को ही ज्यादा होती है। इस आधुनिक कृत्रिम अंग को कम से कम 15 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे लोगों को कूल्हे के दर्द में कमी और सुधार महसूस होता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। पहला है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसमें कूल्हे के जोड़ की कटोरियों को निकालकर उसे नई कटोरियों से बदला जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिस सर्जरी में कूल्हे के जोड़ों को कृत्रिम अंग से बदला जाता है, उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। यूनिलैटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इस सर्जरी को करने का प्रमुख उद्देश्य कूल्हे के दर्द को कम करना और चलने की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। रिविजन हिप रिप्लेसमेंट। रिविजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है जिसे घिसे हुए कूल्हे को ठीक करने के लिए किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता मुख्य रूप से उस स्थिति में पड़ती है जब कूल्हे की हड्डी खराब या नष्ट हो जाती है और इसकी वजह से व्यक्ति को चलने या फिर बैठने पर भी दर्द होता है। इसके अलावा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को उन लोगों को भी कराने की सलाह दी जाती है जो निम्नलिखित समस्याओं से पीड़ित होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होना। यदि किसी व्यक्ति के कूल्हे में सूजन हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को किया जाता है। ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस का होना। इस सर्जरी को ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस नामक बीमारी का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से चोट लगने पर होती है और इस वजह से कूल्हे खराब हो जाते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस का होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक ऐसी ही बीमारी है जो केवल अधेड़ उम्र के लोगों को ही होती है। इस बीमारी का इलाज हिप रिप्लेसमेंट के द्वारा ही संभव है। कूल्हे में असहनीय दर्द का होना। जब किसी व्यक्ति को कूल्हे में असहनीय दर्द होता है और उसे किसी अन्य तरीके से आराम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर उसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। इस पूरे सर्जरी को कराने में मात्र 1 से 3 घंटों का समय लगता है। इस सर्जरी को कराने से पहले व्यक्ति को कुछ टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि वो इस सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कई सारे महत्वपूर्ण स्टेप्स शामिल होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। स्टेप 1, एनेस्थीशिया देना। इस सर्जरी की शुरुआत में व्यक्ति को एनेस्थीशिया दिया जाता है ताकि उसे इस पूरे प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का दर्द महसूस न हो। स्टेप 2, कूल्हे के सामने या बगल में कट लगाना। व्यक्ति को एनेस्थीशिया देने के बाद डॉक्टर कूल्हे के सामने या बगल में कट लगाते हैं। स्टेप 3, क्षतिग्रस्त कूल्हे की हड्डी को निकालना। कूल्हे में कट को लगाने के बाद डॉक्टर कूल्हे की उस हड्डी को निकाल देते हैं जो सही से कार्य नहीं कर रही होती है। स्टेप 4, कृत्रिम अंग को लगाना। क्षतिग्रस्त कूल्हे को निकालने के बाद उसकी जगह पर कृत्रिम अंग को लगाया जाता है। ये कृत्रिम अंग मुख्य रूप से मेटल का बना होता है, जो कूल्हे के दर्द को कम करने के साथ साथ उसकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। स्टेप 5, कट को बंद करना। कूल्हे में कृत्रिम अंग को लगाने के बाद वहां पर लगाए गए कट को बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर लोगों को ये एक महंगी प्रक्रिया लगती है और इस कारण वो इसे कराने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक किफायती प्रक्रिया है जिसका खर्च मात्र 1,75,000 से 2,75,000 के बीच आता है। हिप रिप्लेसमेंट की सफलता दर काफी अधिक है। इसकी वजह से लगभग 95% लोगों को कूल्हे के दर्द से निजात मिल जाता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को कराने के कुछ मुख्य लाभ होते हैं, जो इस प्रकार हैं। चलने में दर्द का न होना। हिप रिप्लेसमेंट को कराने से दर्द में आराम मिलता है जो पहले चलते समय होता था।
दिल संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करना। ये सर्जरी हृदय रोग की संभावना को भी कम कर देती है। लंबे समय तक सक्रिय रहना। यदि कोई व्यक्ति समय रहते हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लेता है तो इससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। सामान्य गतिविधियों को कर पाना। जब कूल्हे की समस्या काफी बढ़ जाती है तो व्यक्ति सामान्य कार्य जैसे चलना, बैठना इत्यादि भी मुश्किल से कर पाता है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए हिप रिप्लेसमेंट काफी लाभदायक साबित होता है। कूल्हे की हड्डियों की कार्यक्षमता में सुधार करना। चूंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्षतिग्रस्त कूल्हे की हड्डी को ठीक किया जाता है तो इस प्रकार ये कूल्हे की हड्डियों की कार्यक्षमता में सुधार करता है। यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराया है तो उसे निम्नलिखित सावधानियों को बरतना चाहिए, जैसे बैसाखियों के सहारे चलना। कूल्हे के ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे चलते समय बैसाखी का उपयोग करना चाहिए। दवाई लेना। चूंकि इस सर्जरी के बाद थोड़ा दर्द हो सकता है तो उसे कम करने के लिए व्यक्ति को दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना चाहिए ताकि उसका दर्द ठीक हो सके। फिजियोथेरेपी लेना। डॉक्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद व्यक्ति को फिजियोथेरेपी लेने की सलाह देते हैं। ये थेरेपी उसे जल्द से जल्द ठीक होने में सहायता करती है। व्यायाम करना। किसी भी व्यक्ति के लिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद व्यायाम करना लाभदायक तरीका साबित हो सकता है। नियमित रूप से चेकअप कराना। यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में हिप रिप्लेसमेंट कराया है तो उसे अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। आज के दौर में कमजोर हड्डियों की समस्या काफी फैल रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये समस्या केवल उन्हीं लोगों को होती है जो अधिक उम्र के होते हैं, लेकिन ये आजकल युवाओं में भी देखने को मिल रही है। कूल्हे की हड्डी की परेशानी भी ऐसी ही हड्डी की समस्या है जिसका उपचार ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से ही संभव है। हालांकि इस स्थिति में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना सबसे सही विकल्प साबित हो सकता है। ये वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के लिए बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श लेना न भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।